हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, यदि कोई इंसान पूरे भारत की सैर पर निकले तो उसे ना जाने कितने राज हासिल होंगे जो बेहद हैरान करने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक 29 राज्यों से बना ये भारत हर क्षेत्र में एक दिलचस्प कहानी छुपाए बैठा है। दोस्तों, आज मैं इन्हीं कहानियों में से एक हम बात करने वाले हैं राजस्थान की धरती की। दोस्तों, धरातल दृष्टि के आधार पर राजस्थान बहुत ही विशाल है, परंतु उससे भी ज़्यादा विशाल है वहाँ का इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो पथ पथ पर हीरे जवाहरात जैसे आकर्षक इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राजस्थान का कल्चर इतना रिच कल्चर है कि उसकी बात जब हम करें तो सुंदरता, राजे रानी सब अपने आप हमारी आंखों के सामने घूम जाते हैं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में, आजकल हम चारों तरफ सुन रहे हैं विवाद जिसको पूरे देश में फैल चुका है और सभी धर्म के लोग चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती को लेकर चारों तरफ बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पद्मावती एक महान रानी थी जिन पर कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी ने एक कविता भी लिखी थी। कविता तो बहुत लंबी है, आपको सुना नहीं सकती, लेकिन दो लाइनें सुनाती हूँ। तेही वियोग हीरा मनावा, पद्मावती जाने हूँ जीव पावा, कंठ लाई सुआ सौराई, अधिक मोह जो मिली बिछाई। दोस्तों, पद्मावती अपने आप में एक बहुत ही महान रानी थी जिन पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। और रानी पद्मावती जहां अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारत में जानी जाती थी, वहीं उनके अस्तित्व को लेकर इतिहास में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन चित्तौड़ में हमें रानी पद्मावती की छाप ज़रूर दिखाई देती है। दोस्तों, असल में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बने एक मंदिर में पद्मावती यानी पद्मिनी की प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर में देवी के स्वरूप में रानी का रूप दिखाया गया है। ये मूर्ति उनके जीवन में के बारे में बहुत ही मुखर होकर बोलती नजर आती है। और इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में सन 1468 में राणा रायमल ने पद्मावती की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। खुद चंद्रशेखर का परिवार 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की पूजा कर रहा है और इसमें भगवान पार्श्वनाथ और महादेव की मूर्ति भी स्थापित है। और पुजारी चंद्रशेखर ने बताया कि मंदिर में बने गौमुख से 24 घंटे पानी गिरता है, जिसे उन्होंने कभी बंद होते नहीं देखा है। दोस्तों, इस मंदिर में पद्मावती की जो मूर्ति लगी है, उसमें मूर्ति बनाने वाले ने पद्मावती को कल्पना करके दिखाया है और चंद्रशेखर के अनुसार हाथ में आईना लिए मूर्ति ये सोच रही है कि किसी को भी इतना सुंदर मत बनाना कि उसकी वजह से कोई राज्य तबाह हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि रानी पद्मावती सुबह स्नान के बाद सुरंग के जरिए सीधे इस मंदिर में पूजा करने पहुंचती है। रात भर कुछ खास आवाज़ें आती है जिसके बारे में लोग माना जाता है कि बहुत ही जौहर कुंड से आती है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला देखने दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों तक। इतना खूबसूरत किला है कि इसकी बनावट और खूबसूरती का जिक्र होता है। और दोस्तों, जौहर कुंड स्पेशल यहाँ का अट्रैक्शन है, चित्तौड़गढ़ किले का वो जौहर कुंड, जहाँ जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने की नहीं सोचता है। माना जाता है वहाँ इतनी ह्यूज अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी है कि कोई भी जाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है या उल्टियाँ आने लगती है या किसी न किसी तरह से वो बीमार पड़ जाता है। और दोस्तों, यदि कुछ लोग कोशिश भी करते हैं तो वे आखिर तक इस सुरंग के आसपास पहुँच भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, जौहर कुंड के हॉन्टेड यानी कि भूतिया या नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है। इसके पीछे भी बड़ी कहानी आती है प्यार और दुश्मनी की, दोस्तों, जिसको माना जाता है कि बहुत बड़े बलिदान को दिखाती है। रानी पद्मिनी जैसा खूबसूरत कोई नहीं था और रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ जहाँ अपने भव्य किले के लिए जाना जाता है, वहीं यह शहर रानी पद्मिनी के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी शायद इतिहास में उनके जैसी खूबसूरत कोई स्त्री आज तक नहीं रही होगी। उनकी यही खूबसूरती उनकी दुश्मन बन गई और तब चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों में जुड़ा एक काला पन्ना। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी, आपको पता नहीं आप लोगों जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और एक बार चित्तौड़गढ़ का किला इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया है,
रानी पद्मिनी का जो महल है वो माना जाता है अपने आप में हिंदू सभ्यता में बहुत ही खूबसूरत महल माना जाता है, जिसमें रानी पद्मिनी के महल में एक एक दीवार पर खूब सुंदर आकृतियां बनी हुई है। दोस्तों, रानी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी और वे सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी थी और बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। बड़े होने पर जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रत्न सिंह के साथ हो गया। और राजा रत्न सिंह काफ़ी शूरवीर योद्धा थे, उनकी पहले से ही 14 रानियां भी थी। और कुछ समय बीतने के बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी रानी पद्मिनी की खूबसूरती की गाथा सुनी और रानी पद्मिनी पर उसकी बुरी नज़र थी, जिसके लिए उसने राजा के साथ युद्ध करके जीत के बदले में पद्मिनी को मांगा। फिर क्या था, राजा रत्न सिंह युद्ध में शहीद हो गए और उनके शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की रानियां जौहर कुंड की ओर बढ़ चली। ये कुंड महल के एक कोने में था जो आज भी बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है, और माना जाता है कि आधी रात के बाद यहाँ से औरतों के चीखने की, चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आती है, औरतों के पायल की आवाज़ें आती है, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस जौहर कुंड के आसपास भी जा सके। और ये कुंड महल के एक कोने में बहुत ही गहराई में बना हुआ है। माना जाता है महल से सीधी एक सुरंग जाती है पद्मिनी कुंड के वहां पे, और घने रास्ते से सभी औरतें जौहर कुंड तक पहुंची थी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ में वहां स्नान किया उस कुंड तक और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली महिला जो थी उन सभी में वो रानी पद्मिनी थी। इसके बाद एक एक करके सभी रानियां और जितनी भी वहां शहीद सैनिकों की पत्नियां थी वो सब ने एक एक करके जौहर कुंड में खुद को झोंक दिया। दोस्तों, किले का दुर्ग जब तक शत्रु सैनिक भीतर आए, उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर आया, उसे रानी पद्मिनी तब तक जौहर कुंड में कूद चुकी थी और वो अपने हाथ मसलता रह गया। उस कुंड के पास भी जाने में लोग असमर्थ थे क्योंकि अग्नि की लपटें काफ़ी तेज थी। दोस्तों, राजस्थान में जौहर प्रथा काफ़ी प्रचलित थी, सती प्रथा की तरह थी, और इसका प्रयोग तब किया जाता था जब युद्ध में शत्रु से राजा हार जाते थे तो अपनी आन बान और सम्मान बचाने के लिए शत्रुओं के हाथ लगने के बजाय महल की स्त्रियां और रानियां कुंड की अग्नि में अपने अमान सम्मान को बचाने के लिए कूदकर जान दे देती थी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के इस किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है। यहाँ तक कि रास्ते की दीवारों पर आज भी कुंड की अग्नि की वो गर्माहट महसूस की जा सकती है। जिस किसी ने इस कुंड के करीब जाने की कोशिश की है वो बेहद आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा है, और ये स्थान नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना गया है। दोस्तों, जो भी है, एक महान स्त्री थी रानी पद्मावती। लोगों के अलग अलग इसके मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां आती है, अलग अलग विचारधाराएं आती है रानी पद्मिनी या फिर रानी पद्मावती को लेके। जो भी है, आज वो एक महान नारी के रूप से हमारे देश में याद की जाती है और मान सम्मान बचाने के लिए अपने आत्म त्याग कर देने वाली एक महान रानी थी। सबसे खूबसूरत हो करके भी उसने सरेंडर नहीं किया, और ये एक हर स्त्री के लिए सीख लेने के लिए बराबर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, शेयर करते रहें ताकि सभी लोग रानी पद्मिनी की इस महान गाथा को जान सकें, उन्हें फिर से याद कर सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। We'll be right back.